व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू क्रिकेट टॉक शो। तो जैसे कि आपको पता है, अब रिसेंटली आईपीएल ऑक्शन हुआ है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरसीबी के बारे में कि आरसीबी की क्या प्लेइंग 11 होगी। मैं अपने अकॉर्डिंगली उनकी प्लेइंग 11 बनाऊंगा। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करते हैं, तो नंबर एक पर डेफिनेटली मैंने अपनी लिस्ट में रखा है एरन फिंच को। इन्होंने 4-5 करोड़ रुपये खर्च करके इस सीज़न ख़रीदा है, तो डेफिनेटली एरन फिंच एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। मुझे तो लग रहा है कि अगर ये कैप्टनसी भी करेंगे आरसीबी की तो कोई बुरा विकल्प नहीं होगा, पर इनकी कैप्टनसी विराट कोहली ही कर रहे हैं। एरन फिंच एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है और अभी एबी डिविलियर्स विराट कोहली के साथ एरन फिंच जुड़ गया है नाम, तो इनकी बैटिंग में और जो है वो डेथ आ गई है। तो डेफिनेटली नंबर एक पर खेलेंगे एरन फिंच। उसके बाद नंबर दो पर मेरे दूसरे ओपनर होंगे पार्थिव पटेल, जो कि इस टीम की विकेट कीपिंग भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर तीन पर नो डाउट डेफिनेटली विराट कोहली विल बी देयर, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड क्रिकेट। तो उसके बाद नंबर चार की बात करूं, तो आप सभी को पता होगा कि नंबर चार पर आ रहे हैं एबी डिविलियर्स। 360 बैट्समैन विल बी प्लेइंग एट नंबर फोर। तो किस तरह का बैट्समैन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि विराट कोहली एबी डिविलियर्स तो एक तरह से कह दो कि नीम है इस आरसीबी की टीम की, इनको तो हर मैच खेलना ही है। तो नंबर चार पर खेलेंगे एबी डिविलियर्स। इसके बाद नंबर पाँच पर मैंने रखा है गुरकीरत सिंह मान को। लास्ट सीजन जो लास्ट मैच हुआ था उसमें गुरकीरत सिंह मान की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही थी, शेमरन हेटमायर के साथ मिलकर उन्होंने मैच को जितवाया था आरसीबी के लिए। तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट मैच में अपने आरसीबी के पहले मैच में उनको खेलते हुए ज़रूर देखना चाहता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों नंबर सिक्स पर होंगे मेरे पहले ऑलराउंडर शिवम दुबे। बहुत ही अच्छी फॉर्म से अभी चल रहे हैं, अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की उन्होंने और बांग्लादेश के खिलाफ अपनी बॉलिंग से मैच जितवाया इंडिया को, तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, नंबर सिक्स पर होंगे वो। तो नंबर सात पर दोस्तों मैंने रखा है क्रिस मॉरिस को। क्रिस मॉरिस होंगे मेरे दूसरे ऑलराउंडर। क्रिस मॉरिस को इस बार आरसीबी ने 10 करोड़ रुपये खर्च कर ख़रीदा है, तो अगर आपने एक प्लेयर पर इतना भरोसा जताया है, हालांकि मुझे तो लग रहा था कि 10 करोड़ की वैल्यू के काबिल है नहीं क्रिस मॉरिस, क्योंकि लास्ट सीज़न इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ ऐसा किया नहीं कि इनको 10 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे। दिल्ली कैपिटल्स भी इनसे यही मांग रहे थे कि आप नीचे 7 नंबर पे आओ, मैच फिनिश करो और थोड़े आप बॉलिंग करके दो हमें, पर ये कर नहीं पा रहे थे मैच फिनिश दिल्ली के लिए, और बॉलिंग भी कुछ इनकी डेथ ओवर में खास नहीं थी, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर आरसीबी ने इन पर बहुत भरोसा दिखाया और 10 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया, तो मैं डेफिनेटली इनको पहले मैच में देखना चाहता हूँ खेलते हुए। तो इसके बाद दोस्तों नंबर आठ पर वहाँ पर डेफिनेटली खेलेंगे वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर भी अभी इंडिया टीम में इनकी एंट्री हो गई है, तो शुरुआती फर्स्ट सिक्स पावर प्ले में ये बॉलिंग करते हैं और ज़्यादा रन नहीं देते, तो वहाँ पर बहुत इंप्रेस किया इन्होंने मुझे, और नीचे आकर बैटिंग भी करते हैं, इंडिया की टीम से खेलते हुए बड़े बड़े सिक्स लगाए इन्होंने, तो डेफिनेटली ही विल बी देयर। तो इसके बाद दोस्तों नंबर नौ पर डेफिनेटली यशविंदर चहल खेलेंगे। क्या जिगरे वाला बॉलर है ये। आरसीबी का जो मैदान है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, वहाँ पर तो बोलते हैं कि बॉलर्स के लिए लाइक कब्रिस्तान है वो बॉलरों का, और वहाँ पर इन्होंने अपना झंडा गाड़ा हुआ है यशविंदर चहल ने, वहाँ पर इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है, तो इससे पता चलता है कि किस दर्जे का ये बॉलर है, तो ही विल बी डेफिनेटली देयर। तो इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर मैंने रखा है नवदीप सैनी को। नवदीप सैनी ने भी लास्ट सीज़न ही अपना डेब्यू किया था और बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी, इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी कि उन्होंने सीधी इंडिया टीम में एंट्री मार ली और अभी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो इसके बाद दोस्तों नंबर 11 पर मैंने रखा है डेल स्टेन को। वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन थे, केन रिचर्डसन का ऑप्शन था मेरे पास और इशरू उडाना का ऑप्शन था मेरे पास, पर मैंने डेल स्टेन को रखा क्योंकि अगर डेल स्टेन फिट रहे इस वाले आईपीएल में तो डेफिनेटली उनको प्लेइंग 11 से कोई बाहर नहीं कर सकता। बहुत वो बढ़िया बॉलर हैं, बहुत ही डेंजरस बॉलर हैं, और डेथ जो बॉलिंग की समस्या है आरसीबी की वो डेल स्टेन सुलझा सकते हैं, ही विल बी डेफिनेटली देयर। तो दोस्तों ये थी मेरी प्लेइंग 11। ओपनिंग करेंगे एरन फिंच और पार्थिव पटेल, और नंबर तीन पर खेलेंगे विराट कोहली, चार पर एबी डिविलियर्स, पांच पर गुरकीरत सिंह मान, छह पर शिवम दुबे, सात पर क्रिस मॉरिस, नंबर आठ पर वाशिंगटन सुंदर, नौ पर यशविंदर चहल, दस पर नवदीप सैनी और नंबर 11 पर डेल स्टेन। तो दोस्तों मुझे अपनी टीम बनाते हुए एक दो प्लेयर्स थे जो मैं चाहता था उनको प्लेइंग 11 खिलाना, खास करके देवदत्त पार्टिकल और मोइन अली। मैं इनको अपनी प्लेइंग 11 में रखना चाहता था, पर अगर मैं मोइन अली को प्लेइंग 11 में रखता तो मुझे क्रिस मॉरिस को बाहर रखना पड़ता। अगर आपने 10 करोड़ रुपये दिए हैं क्रिस मॉरिस को, तो मैं देखना चाहता हूँ पहले मैच में कि क्रिस मॉरिस क्या करेंगे 10 करोड़ रुपये आपने दिए हैं उनको, उनको खिलाओ, देखो वो क्या करते हैं। मोइन अली तो हैं ही बाद में, अगर वो नहीं चले तो मोइन अली खेलेंगे इनके लिए। तो देवदत्त पार्टिकल को मैं खिलाना चाहता था, पर अगर वो खेलते तो इस टीम की विकेट कीपिंग कौन करता, क्योंकि मैं उनको पार्थिव पटेल की जगह पर खिला सकता हूँ, एरन फिंच की जगह पर मुझे नहीं लगता कि देवदत्त
पार्टिकल इतने बढ़िया बैट्समैन हैं कि मुझे एरन फिंच को बाहर बिठाना पड़े उनको खिलाने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। तो अगर आपको लगता है कि कोई और प्लेयर भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि जो हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें।